हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, राजस्थान के क्रांतिकारी। मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, तो लगभग जो है बच्चे जो रेगुलर रहते हैं वो सही आंसर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आंसर देकर क्या होगा। देखिए, यदि आप ही इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे यहाँ चैप्टर को पढ़ने में और उसका आंसर देने में, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप लोगों के पास जो भी समय है उसका मिसयूज़ ना करें। इन चैप्टर को जो है वो बिल्कुल इनकी रीडिंग जो है वो करते चले जाएं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन आंसर याद करने में। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से याद नहीं होती है जब तक हम उसके बारे में एक कहानी जो है वो नहीं पढ़ लेते। यदि हमें उसका बेस जो है वो पता होता है कि इसमें क्या कहा गया था, तो उससे संबंधित जो भी डेटा होते हैं वो हमें याद हो जाते हैं। तो जो बच्चे कहते हैं कि ये क्लासेस जो हैं वो इनमें जो भी फैक्ट हैं हमें याद नहीं होते हैं, उसका एक ही रीज़न है कि आप लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर पर जाते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ते हो। चैप्टर यदि आप पढ़ोगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करोगे, तभी वो चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक 1882 से 1954 तक इनका समय रहता है। तो इनका जो नाम था, उपनाम, वह था भूप सिंह। ये क्वेश्चन जो है वो आपके रीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, और वो क्यों है? क्योंकि विजय सिंह पथिक जो है वो बिजौलिया किसान आंदोलन से ये संबंधित हैं। तो ऑप्शन यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो राजस्थान लगा देते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि बिजौलिया से संबंधित हैं, तो ये जो है राजस्थान में इनका जन्म हुआ होगा। लेकिन जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी कर्म भूमि जो है वो राजस्थान रही, जहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो है वो कार्य किए। तो इनकी कर्म भूमि राजस्थान है, जन्म भूमि कौन सी है? उत्तर प्रदेश। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ इसके संस्थापक रहे हैं। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक, चोटी के क्रांतिकारी थे। अब देखिए, तीनों लाइनें जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और इनका जो गहरा संबंध रहा वो बिजौलिया किसान आंदोलन से रहा। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साथ में ही समाचार पत्र जो है उनका संपादन किया, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। इन समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। किसने? विजय सिंह पथिक ने। तो यहाँ पर बहुत ही ये जो पैराग्राफ है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विजय सिंह पथिक, इनका जो उपनाम है वो क्या है? भूप सिंह है। जन्म इनका कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। कर्म भूमि इनकी क्या रही? राजस्थान। वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन रहे? विजय सिंह पथिक रहे। भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है, और बिजौलिया किसान आंदोलन से इनका गहरा संबंध रहा। ठीक है, इसके अलावा समाचार पत्र देखिए, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, जिसमें इन्होंने जो है बहुत अधिक जो है जन जागृति फैलाने की जो है जो भी भूमिका निभाई, इन समाचार पत्रों के माध्यम से निभाई। अर्जुन लाल सेठी जयपुर के 1880 से 1941 तक का इनका समय है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जो है वह जयपुर थी। तो ये जयपुर के निवासी हैं, जयपुर इनका जन्म हुआ। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। इसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जहां पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, तत्कालीन जयपुर के महाराज, उस समय जो महाराज थे, माधव सिंह सेकंड थे, इन्होंने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की इनको पेशकश की कि आपको जो है वो जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री बनाया जाए। किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण इन्होंने यह कहते हुए उन्हें इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी जो है नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो ये लाइन जो है वो किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की ही है। तो ये है अर्जुन लाल
सेठी। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया, तो क्रांति की शिक्षा देने के लिए इन्होंने जो विद्यालय खोले वहाँ पर जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े। सेठी जो है अर्जुन लाल सेठी, होर्डिंग, बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई, इससे भी संबंधित रहे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो याद रखें, अर्जुन लाल सेठी जो है वो होर्डिंग बम कांड से संबंधित हैं, आरा हत्याकांड से और काकोरी कार्रवाई से भी ये संबंधित हैं। आगे देखिए, आगे जो क्रांतिकारी हैं राजस्थान के, केसरी सिंह बारहठ, तो ये कहाँ के हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा के। 1872 में जन्म होता है और 1941 में इनकी मृत्यु होती है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि रहे हैं केसरी सिंह बारहठ, क्रांतिकारी रहे हैं केसरी सिंह बारहठ। इनकी जन्मभूमि शाहपुरा और कर्मभूमि क्या थी? कोटा। इनका जन्म जो है 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जब दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए उदयपुर के जो महाराणा थे उस वक्त फतेह सिंह, इनको बुलाया, तो इनको संबोधित करते हुए चेतावनी राग चुंगटिया नामक जो है 13 सोरठे या 13 दोहे किसने लिखे? केसरी सिंह बारहठ ने। ठीक है, चेतावनी राग चुंगटिया, जिसमें जो राजा थे जो कि दिल्ली दरबार में जा रहे थे उनको चेतावनी दी गई, उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति है इन दोहों में। ठीक है, तो महाराणा फतेह सिंह को जो है इन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया नामक जो है 13 सोरठे जो है वो लिखे, और इनको पढ़कर जो है, सुनकर जो है फतेह सिंह जो है वह दिल्ली दरबार में नहीं गए। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारहठ, अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी तो वो केसरी सिंह बारहठ और अर्जुन लाल सेठी को जिम्मेदार मानती थी कि ये लोग जो हैं वो राजपूताना में जो हैं यहाँ पर विप्लव जो है आंदोलन करने का जो कार्य है वह कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो यहां पर जितने भी क्रांतिकारी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, तो वो सभी जो हैं वो जुड़े, तो उसके लिए उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारहट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जा माता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो जोरावर सिंह, उनके पुत्र प्रताप सिंह को और जा माता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के जो मास्टर थे अमीरचंद, उनके यहाँ पर भेज दिया कि क्रांति की जो है इनको व्यवहारिक रूप से जो है वो शिक्षा दी जाए, इनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो केसरी सिंह बारठ, इनका चित्र है यह, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर यानी न्योछावर कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। तो 1941 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर प्रताप सिंह बारहठ शाहपुरा के, तो केसरी सिंह बारहठ और जो जोरावर सिंह, जोरावर सिंह जो है इनके जो है वो चाचा थे, केसरी सिंह बारहठ इनके पिता थे। ठीक है, 1893 में शाहपुरा में जन्म कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति जो है वो विरासत में मिली थी। तो इनके पिता भी क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, इनके चाचा भी थे। तो इनके पिता केसरी सिंह बारठ और चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद के यहाँ पर जो है इन्होंने प्रशिक्षण लिया था और वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था, तो प्रताप सिंह बारहठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था। सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। तो इन पर जो है वो बहुत बुरे जो है व्यवहार जो है वो इनको जेल में किए गए, बरेली जेल में, ताकि अपने सहयोगियों का ये नाम बता सकें।
किंतु इन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। तो देखिए बहुत ही छोटी उम्र के थे प्रताप सिंह बारहठ। भारत सरकार के गुप्तचर निर्देशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी। ठीक है, तो जो प्रताप सिंह बारड़ थे इनको जो है चार्ल्स क्लीवलैंड द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं जेल में, और ये सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। लेकिन फिर भी जो प्रताप थे उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए जो है इन्हें इमोशनल टॉर्चर भी किया। इन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे लिए सदा रोती रहती हैं। तो प्रताप सिंह ने इसके बारे में जवाब क्या दिया कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई ना रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की उम्र में प्रताप सिंह शहीद हो गए। तो बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जेल जो है वह देखा, वहाँ पर जो है घोर यातनाएं जो है इन्होंने सही, फिर भी जो है ये अपने जवान से बिल्कुल भी नहीं फिरे। और इन्होंने जो भी फैसला किया था कि मैं क्रांतिकारियों का नाम नहीं बताऊंगा, तो इन्होंने नहीं बताई। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। फिर देखें बाल मुकुंद बिस्सा। तो बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के, जोधपुर के। 1908 में जन्म होता है, 1942 में इनका निधन हो जाता है। तो इन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया था, लोगों में जन जागृति लाने का जो है इन्होंने प्रयास किया, जिसकी वजह से इनको भी जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन जेल में जो है ये बहुत अत्यधिक जो है ये बीमार हो गए थे और इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था अधिकारियों के द्वारा, और जिस वजह से जो है इनकी मृत्यु जेल में हो जाती है। ठीक है, इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना करके इसका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डींडवाना तहसील और पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। अब आपके जो एग्ज़ाम है रीट जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, कैसे कि बाल मुकुंद बिस्सा जो है इनका जन्म किस गांव में हुआ था, तो पीलवा गांव में हुआ था। ठीक है, और यदि आप ये बुक को पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, कि इनका जो है जन्म किस गांव में हुआ था। इसीलिए बहुत जो आसान चीज़ें हैं वो भी पढ़नी है और जो मुश्किल चीज़ें हैं वह भी पढ़नी है। 1942 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। और जेल में राजनीतिक बंदियों से जो होने वाला जो दुर्व्यवहार था और जिसके विरुद्ध बिस्सा ने वहां जेल में ही लंबी भूख हड़ताल करने की वजह से जो है जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए, उन पर लू का जो है प्रकोप हो गया और 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल जो है वो भिजवाया गया। इतने अत्यधिक जो है ये बीमार पड़ गए जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका जो है उसी दिन जो है निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार जो है वो समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया। देखते ही देखते अस्पताल में और उसके सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोग मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लेते हैं। ठीक है, ऐसे थे बाल मुकुंद बिस्सा। सागर मल गोपा जैसलमेर के, याद रखना है इनके क्षेत्रों का भी नाम कि सागरमल गोपा जो है वो कहाँ के थे, जैसलमेर के। अमरचंद बाटिया कहाँ के थे, बीकानेर के थे। ठीक है, अर्जुन लाल सेट्टी जयपुर के थे। डूंग जी, जवाहर जी और लोटू जी कहाँ के थे, सीकर के थे। जैसलमेर में जन्मे सागर मल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध किया और जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर भी विशेष जोर दिया। तो इनका जहां जन्म हुआ था जैसलमेर में, तो यहां पर जो है इन्होंने कई चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया। यहां पर लोग जो अशिक्षित थे उनके अंदर शिक्षा प्रसार जो है इन्होंने अलग जगाने की कोशिश की। गोपा ने आजादी के दीवाने
देखिए बहुत इनके जो आप देखेंगे इनकी जो बुकों के नाम वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है, थोड़ा हटके ही है इनकी बुकों के नाम। ऐसी पुस्तकें छपवाकर इन्होंने वितरित की जिसमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और उनकी कटु आलोचना की। इसके लिए इनको राज के कोप का भाजन जो है वो बनना पड़ा। तो ये हैं सागरमल गोपाल, इनकी पुस्तकों के नाम जो है वो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखित है, तो वह सागरमल गोपा के द्वारा लिखित है, आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किया गया। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। देखिए इनके साथ जो है वो बहुत ही गलत किया गया था, इनको जो है जेल में बंदी बनाकर और इनको जो है इनके ऊपर तेल छिड़ककर जो है इनके ऊपर आग लगा दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो बुरी थी। अब देखिए ये जो इनको जो जेल में डाला गया 1941 में, और ये डेट जो है हमने अभी दो बार जो है देखी, अर्जुन लाल सेठ ही, तो उनका निधन जो है वह भी 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, केसरी सिंह बारड़ जो है उनका जो निधन है वह भी 1941 में हुआ था, और जो सागरमल गोपा हैं उनको जेल में डाला गया 1941 को। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे आप याद रख सकते हैं। नाना भाई खाट रास्ता पाल डूंगरपुर से, डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया जिसे माणिक्य लाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है आंदोलन चलाने वाले लोगों का जो निर्देशन कौन करते हैं, माणिक्य लाल वर्मा करते हैं। रास्ता पाल जो है यहाँ के नाना भाई खाट ने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव, रास्तापाल गांव का नाम है, तो वो अपने गांव की पाठशाला बंद नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लोगों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने सोचा था डूंगरपुर में। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने, तो जागीरदार जो है वो क्यों चाहेगा कि यहाँ के अशिक्षित लोग जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित गांव पर पहुंचते हैं। दाना भाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने कहा मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों बंदूकों की कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए। ठीक है, और जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए पहले के जो लोग थे उनके अंदर हिम्मत बहुत थी, क्योंकि स्कूल जो है चलाने की जो काम है वो इन्होंने किया नाना भाई ने, कि हमारे जो गांव में लोग जो है वो पढ़ लिख जाएं, उन्हें सारी चीज़ें पता चल जाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पर तो जागीरदार जो है तुम्हारा फायदा उठा रहा है और आगे चल के जो है अंग्रेज जो हैं बाहर जाकर वो फायदा उठा रहे हैं। तो लोगों को इन चीज़ों का पता लगना चाहिए। तो नाना भाई जो है वो ये चाहते थे कि डूंगरपुर में हर जो बच्चा बच्चा है वह भी पढ़ लिख सके। ठीक है, और यदि आज की हम कहानी देखें तो आज यदि इस तरह की घटना होती है कि कोई स्कूल जो है बंद कराने का आदेश आता है तो डर से ही वो स्कूल बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि कोई भी जो है उनके ऊपर अत्याचार ना हो सके। इतनी हिम्मत जो है वो आज के लोगों में नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। इन्होंने बिना सोचे समझे जो है ये कदम उठाया। इनको बिल्कुल भी इस चीज़ का जो है डर नहीं था कि उनके साथ जो है वह क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो इनकी जो है वो बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है जिस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू से, सरदार हरलाल सिंह का जन्म जो है वो झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ। सरदार हरलाल सिंह जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे।
हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान और प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने अपनी जो है सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर इसे राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया और इसी केंद्र से इन्होंने किसान आंदोलन को संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। खुद शिक्षित नहीं थे, लेकिन शिक्षा की अलख वो जगा के रखना चाहते थे। विद्यार्थी भवन जो है वो झुंझुनू की स्थापना जो है ये करते हैं। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना सीकर। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म जो है वो 1905 नीम का थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की जो वर्धमान पाठशाला थी वहां पर हुई और उसके उपरांत जो है सांभर में यहाँ पढ़ाई करते हैं, फिर कानपुर में। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया। 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में, तो ये जो राजस्थान सेवा संघ है इसकी स्थापना जो है किसने की थी, संस्थापक कौन थे इसके, तो इसके थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो उसमें इन्होंने काम किया कप्तान दुर्गादास चौधरी ने, तो ये उसमें शामिल हो गए। 1930 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण ये कई बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो अजमेर जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक इन्होंने संपादन किया। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा ही जो है चैप्टर ये बाकी है और फिर ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब तक मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपको जो है यहीं पर ये चीज़ें याद हो सकें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।